लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन के बयान के बाद राजनीति गर्म है। हफीजुल अपने बेतुके बोल पर घिर गए हैं, उन पर विरोधी तो वार कर ही रहे हैं, अपनों ने भी उनके बयान से किनारा कर लिया है। सभी का बढ़ रहा है तो 18 से 16 मेरा हिसाब से 16 होना चाहिए। ये देखिए 18 साल ही रहना चाहिए, केंद्र का निर्णय है, उसको सबको मानना पड़ेगा। कौन कर रहा है यार इसे? बहुत देहात के लिए 18 साल क्यों कारण की 18 साल रहना चाहिए? अलग माहौल है, देहात का अलग माहौल। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर झारखंड में सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने केंद्र सरकार के उस कानून का विरोध किया है जिसमें लड़कियों के विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र 16 साल कर देनी चाहिए, हालांकि बाद में उन्होंने शादी की उम्र 18 साल करने की बात कही। बीजेपी ने उनके बयान पर दो टूक कह दिया है कि शरीयत से देश नहीं चलता है, तो बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने भी मंत्री हफीजुल को बेवकूफ और बेहया करार दिया। बस चले तो 7 साल में शादी कर देना चाहिए कहेंगे, उनके चाहने से नहीं है। इस देश पर देश का संविधान लागू हुआ, कानून लागू हुआ, शरिया लागू नहीं होगा, उनको समझना चाहिए। क्योंकि ये सब सारे लोग सिर्फ शरिया में विश्वास करते हैं, भारत के संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। मेरा कहना है विश्वास करना चाहिए, वो भी एक धर्म ग्रंथ है, लेकिन भारत का संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। एक बेवकूफ मंत्री ने ये इस बात को बोला कि यहाँ 15 साल में 16 साल में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए। उस बेहया और बेवकूफ मंत्री को यह बात पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ एडल्ट किस एज में लड़कियाँ होती हैं और कानून क्या कहता है, उसकी वैधता क्या है। हफीजुल हसन के बयान से उनके ही सरकार के मंत्री भी इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि बच्चों की शादी तभी हो जब वे बालिग हो जाएं। तो कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार के इस कदम की सराहना की है। देखिए 16 से 18 से बात हम नहीं करते हैं, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि जो भी शादी विवाह होता है वो अभिभावक के मर्जी से होता है और उम्र मिलाकर ही शादी किया जाता है, लेकिन 21 हो 22 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उम्र के हिसाब से सभी को, लड़का हो या लड़के हो, शादी होना चाहिए। हर लोगों को अपनी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता है, उनकी जो सोच है वो कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात करूँगा तो आज माहौल बदल गया है, बच्चियों को पूरा अवसर मिलना चाहिए अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के दृष्टिकोण से। अगर सरकार ने इस प्रकार का कोई निर्णय लिया है तो मुझे लगता है कि हम सबको आगे बढ़ करके उसका स्वागत करना चाहिए। हफीजुल हसन के बेतुके बयान से एक बार फिर सियासी बवाल मचा हुआ है। विरोधी तो वार कर ही रहे हैं, अपनों ने भी बयान से किनारा कर लिया है। रांची से न्यूज 18 के लिए संजय सिन्हा के साथ ओम प्रकाश की रिपोर्ट। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा हमला बोला है। रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सोरेन ने किसी का भला नहीं किया है, जिस गुरुजी ने इस राज्य के लिए संघर्ष किया आज उनको बेटे ने ही दरकिनार कर दिया। रघुवर दास ने यहां तक कह दिया कि जो बेटा अपने पिता का नहीं हुआ वो संथाल समाज का क्या होगा। रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पर विधायकों को बेइज्जत करने का भी आरोप लगाया। वहीं हेमंत सरकार के 2 साल पर रघुवर दास ने कहा कि इस सरकार को चाहिए कि वो जनता के सामने अपने 2 साल के कार्यकाल का श्वेत पत्र जारी करे। अरे सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई। इस सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह आज आप देखिए किस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को बेइज्जत किया जा रहा। इस गुरुजी इस राज्य के लिए संघर्ष किया, आज अपने बाप को उसने किनारा कर दिया। जो बाप का नहीं होगा वो संथाल का समाज का होगा।
गुरु जी को मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने नहीं दिया। गुरु जी का दर्द कौन जानता है?